बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये कहती है कि इस दुनिया में जितने भी मेजर इवेंट्स हुए हैं उसके पीछे किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ होता है। लेकिन एग्जैक्टली ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? फ्रीमेसंस, इल्यूमिनाटी या फिर चिपकली जैसे दिखने वाले लोग जिन्हें रेप्टिलियंस कहा जाता है। All over the world which talks about a reptilian race that lives along with us. In ancient India we also have a theory like that. It's the Naga theory. The Nagas, the Naga yes. people. I pulled that face off and beneath it was a reptile. And had some beliefs in is this idea of the reptilian theory or lizard theory. इन रेप्टिलियंस की आंखें कुछ इस तरीके से होती है और उनकी बॉडी पर स्केल्स भी होते हैं। मैं जानता हूँ कि ये बातें आपको बिल्कुल बेतुकी और सेंसलेस लग रही होगी कि कोई इंसान आखिर एक चिपकली जैसा कैसे हो सकता है। एक भारतीय होने के नाते हमें बात थोड़ी अजीब लगेगी, बट आई एम डैम श्योर जो बातें मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ वो आपको एक बार ये सोचने पर जरूर मजबूर कर देगी कि आखिर रेप्टिलियंस नाम की कोई चीज़ होती भी है या नहीं। रेप्टिलियंस का ये कॉन्सेप्ट यूएसए, कनाडा और वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा फेमस है। लेकिन मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि हमारे हिंदू कल्चर में भी एंशिएंट टाइम पर रेप्टिलियंस की बातें हुई हैं और मुस्लिम कल्चर में भी रेप्टिलियंस का जिक्र है। लगभग 12 मिलियन अमेरिकन्स ये मानते हैं कि रेप्टिलियंस होते हैं और ये आपको कहीं ऐसे ही घूमते हुए नहीं मिलेंगे, बल्कि रेप्टिलियंस शेपशिफ्टर होते हैं यानी कि भेस बदलने वाले। जो लोग रेप्टिलियंस में बिलीव करते हैं उनका ये मानना होता है कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियंस और फेमस पीपल होते हैं वो रेप्टिलियंस हैं और इंसानों का रूप बदल कर वो हम इंसानों के बीच में रहकर पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं। ये बातें लोग हवा में नहीं करते हैं और इस थ्योरी में बिलीव करने वालों के पास में कुछ ना कुछ एविडेंस तो जरूर होगा। तो रिसेंटली इंटरनेट पर कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटी जैसे कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन, जस्टिन बीबर और कई सारे सेलिब्रिटीज के शेप शिफ्टर होने के वीडियोस सामने आए हैं। इस वीडियो में एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पर जो बाइडन की स्माइल कुछ सेकंड के लिए नॉर्मल से बड़ी और अजीब होती जाती है। ग्रेटा थनबर्ग जो कि एक यंग एनवायरमेंटलिस्ट है वो अपने यूएन की स्पीच से फेमस हुई थी। वो भी एक वीडियो में ऐसे कैप्चर हुई है जिसमें उसके दांत किसी सांप के जैसे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग रेप्टिलियंस बिलीव करते हैं सोचिए वे लोग किसी भी इंसान को किस हद तक जज करते होंगे, वे लोग उसे एनालाइज करते होंगे और ये काम कुछ साइको या सिर्फ पागल ही कर सकता है। लेकिन शेली श्राइन्स एक फेमस लेडी है जो कि इन रेप्टिलियंस की असलियत सबके सामने लाना चाहती थी। शेली श्राइन्स के सोशल मीडिया पर लाखों से भी ज़्यादा फॉलोअर्स थे और उसके सभी फॉलोअर इन रेप्टिलियंस में पूरी तरीके से बिलीव करते थे। शेली पर यह भी इल्ज़ाम था कि वो एक अंडरग्राउंड कल्ट चलाती है। तभी 2022 में एक इंसिडेंट होता है जिसमें 22 साल की केली अपने आप को ही खत्म कर लेती है। केली भी श्टाइनर के कल्ट से जुड़ी हुई थी और केली की फैमिली को ऐसा लगता था कि केली की मौत के पीछे श्टाइनर का ही हाथ है। इस इंसिडेंट के ठीक 5 साल के बाद में यानी कि 2017 में श्टाइनर के फॉलोअर ने दूसरे फॉलोअर की हत्या कर दी थी और ये आपके सामने उस समय की रिकॉर्डिंग है। रॉजर नाम की एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को गन से शूट करके मार दिया था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो एक रेप्टिलियन है और उसे ये बात श्टाइनर ने बताई थी। मतलब कि श्टाइनर ने रॉजर को इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर दिया था कि वो अपने बॉयफ्रेंड को एक रेप्टिलियन समझने लगी थी और इसीलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड को जान से भी मार दिया। ठीक इस इंसिडेंट के अगले साल श्टाइनर की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई, लेकिन उसका यही कहना था कि रॉजर का बॉयफ्रेंड एक रेप्टिलियन था। ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई सारे केसेस सामने आए थे जिसमें लोगों ने दूसरे लोगों को रेप्टिलियन समझ के मार दिया। एक आयरिश टीनेज लड़के ने अपने पिता को रेप्टिलियन समझ के मार डाला।
2019 में बक ने अपने भाई को एक शेप शिफ्टर समझा और उसने उसकी जान ले ली। लोगों का रेप्टिलियन में बिलीव इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उन्हें लगता था कि रेप्टिलियंस ह्यूमन स्पीशीज को खत्म कर देंगे, तो इसलिए लोग रेप्टिलियंस के शक में लोगों को मार रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे कि इंडिया में किसी को डायन समझ कर मार दिया जाता था। रेप्टिलियंस कॉन्स्पिरेसी का पहला वायलेंस 1999 में रिकॉर्ड हुआ था। न्यू मैक्सिको की चूहू को उसके हस्बैंड डीजल ने उसकी नई गर्लफ्रेंड के साथ में मिलकर उसे जान से मार दिया। डीजल का ऐसा कहना था कि उसकी नई गर्लफ्रेंड एक रेप्टिलियन की स्पीशीज चाहती है जिसे उसके ऊपर की अथॉरिटी से लोगों को मारने के ऑर्डर मिले थे। ये दोनों कपल डेविड आइक नाम के एक आदमी के कॉन्फ्रेंस में मिले थे। तो अब असल बात यह है कि इन रेप्टिलियंस की थ्योरी को पहली बार कौन और कब लेकर आया था। देखा जाए तो ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है। जब ये थ्योरी आई थी कि रेप्टिलियंस हमारे बीच में मौजूद है, डेविड आइक नाम का एक आदमी जो कि इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को पहली बार लेकर आया था। यूनाइटेड किंगडम का रहने वाला ये आदमी पहले एक फुटबॉलर रह चुका था, साथ ही ये एक टेलीविजन ब्रॉडकास्टर भी था। इसने पहली बार अपनी एक बुक द बिगेस्ट सीक्रेट में रेप्टिलियंस के बारे में बात की थी। डेविड आइक का ये मानना था कि रेप्टिलियंस असल में एलियन ब्रीड है जो कि इंसानों को किडनैप करके ले जाते हैं और इंसानों के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करके अपने रेप्टिलियन ब्रीड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कि आज से नहीं बल्कि हजारों साल से अर्थ पर आकर ये सब कर रहे हैं। और इन्हीं रेप्टिलियंस की ब्लडलाइंस वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल लीडर्स हैं जो कि वर्ल्ड को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। पहले तो लोगों ने डेविड की बात का खूब मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों के सामने अनयूजुअल फुटेजेस और रेप्टिलियन से रिलेटेड एविडेंस सामने आने लगे, तो लोगों का ध्यान डेविड की रेप्टिलियन थ्योरी की ओर जाने लगा, जो कि कुछ कुछ सही भी साबित हो रही थी। इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलते हैं जो कि रेप्टिलियंस के सच होने की बात को थोड़ा और मजबूत करते हैं। कुछ समय पहले ही एक फ्लाइट का वीडियो सामने आया था जिसमें एक लेडी फ्लाइट में पैनिक हो गई थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसने फ्लाइट में एक रेप्टिलियन को देखा है। इस वीडियो के आउट होने के बाद से ये लेडी कहां पर है ये किसी को नहीं पता। तो क्या उसे इन रेप्टिलियंस से किडनैप किया है या फिर उसे इस दुनिया से ही गायब कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि रेप्टिलियंस अर्थ पर एंशिएंट टाइम से रह रहे हैं जो कि किसी दूसरी दुनिया से आए होंगे, लेकिन इस बात का अभी तक कोई सबूत नहीं है। हमारे पास में है तो बस इंटरनेट पर अवेलेबल कुछ वीडियोस और उनसे रिलेटेड कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। अब भारत की बात करें तो भारत में रेप्टिलियंस का कोई ऐसा कल्चर नहीं है, लेकिन अगर हम हमारी हिस्ट्री और माइथोलॉजी को गौर से देखें तो हमें पता चलेगा कि भारत में सांपों की पूजा हुआ करती है। द नागास, भारत में नागास का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। योगा पूरे वर्ल्ड में फेमस है और योग के फादर जाने वाले पतंजलि एक नागा थे और उनकी एक स्टोरी बहुत ही ज्यादा फेमस है। पतंजलि अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय पर्दे के पीछे ही रहते थे क्योंकि उनका आधा शरीर ऐसा कहा जाता है कि सांप का था। जब एक स्टूडेंट ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर पतंजलि पर्दे के पीछे क्यों रहते हैं, तो उसने एक दिन उस पर्दे को हटा दिया और पतंजलि किसी सांप की तरह रेंगकर एक तालाब में समा गए। जिस तालाब में पतंजलि गायब हुए थे उसका शेप बिल्कुल सांप का जैसा है। हमारे भारतीय पुराणों में वासुकी नाग की बातें भी की जाती है। कालिया नाग जिसकी हत्या कृष्ण जी ने की थी। राम जी के भाई लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। कृष्ण जी के भाई बलराम भी शेषनाग के अवतार थे। अगर आपको बात यहाँ तक समझ में आ गई है तो आप भी जरा सोचिए कि ये रेप्टिलियंस इच्छाधारी नाग से कितना ज्यादा मेल खाते हैं और भारत में इच्छाधारी नाग के बारे में किसे नहीं पता। और तो और इस्लाम में भी लिजर्ड और कमिलियन जिसे गिरीट कहते हैं उन्हें देखते ही मार दिया जाता है। मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेड किलिंग हाउस लिजर्ड इज एन एक्ट टू अर्न सवाब। व्हेन आई सर्च द रीजन आई लर्न दैट इट वॉज बिकॉज हाउस लिजर्ड हेल्प इग्नाइटिंग द फायर वे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज थ्रोन। I am confused if that is the reason. Is it justified to kill any home lizards? Considering the house lizards have free will in this dunya, then being rewarded after killing any house lizards seems unjust. Because every house lizard was not involved with the incident of Hazrat Ibrahim alayhi salam. And if they don't have free will, rather they acted on Allah's commandment, that would be unjust too. Or is there actually other reason stated in Hadith or Quran for killing them? For example, the harmful effects
Of course, Allah and His Rasul know best. तो क्या इनके पीछे भी कुछ ना कुछ राज छुपा है? ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।